मेरा नाम नूर शहद है, मैं एफपीएफ का डिवीजन सदर हूं और हमारा जो चेयरमैन साहब है उसका नाम है कर्नल रिटायर्ड जावेद मुतबा साहब, ये हमारा एफपीएफ के चेयरमैन है, मैं खुद डिवीजन सदर हूं मरतान का। अच्छा सर जी, एफपीएफ जो है ना ये हमारा पार्टी का नाम है, इसका पूरा नाम है फर्स्ट डेमोक्रेट फ्रंट जी, मतलब कि कानून की हुक्मरानी जी। लोगों के लिए हमने ये एक मानने शुरू किए कि जब तक हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी न हो तो हमारे मुल्क में आम आदमी को सुकून चैन नहीं मिल सकता जी। क्योंकि हमारे जितने भी लोग आजकल परेशान हैं सिर्फ कानून की वजह से परेशान हैं, और हमारा एफडीएफ पार्टी का मंशूर यही है कि हमारा लोगों ने एक ये कि कानून की हुक्मरानी, क्योंकि हर बंदे की ज़रूरत है, पाओ गरीब है पाओ मालदार है, जो भी है जहाँ भी तरफ रखते हैं उनको आजकल अशद जरूरत है कानून की हुक्मरानी का। जब तक हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी सही तरीके से नाफिज न हो कभी भी हमारा मुल्क खुशहाल नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो हमारे पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गए, लोग जुग जो है ना मेम्बरशिप ले रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के हिसाब से इस वक्त लोग मौजूद है जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे मेम्बरशिप में मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में हमारे जो है ना सेक्रेटरेट काम हुए, केपीके में हमारे सेक्रेटरेट कायम है, सिंध में कायम है, पंजाब में कायम है, बल्तिस्तान में कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एफडीएफ की पार्टी के सूबे का जो कैबिनेट है तमाम बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट तकरीबन ज़्यादातर बन चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मजीद भी हम लगे हुए कि हम अपनी पार्टी को यूनियन कौंसिल तक विज कौंसिल तक लेके जाए और तरीक सही करें इंशाल्लाह। और आइंदा इलेक्शन के लिए हमारे इंशाल्लाह पूरी तैयारी है कि 2023 में जब इलेक्शन होगी इंशाल्लाह तो हमारा पार्टी सही तरीके से इसमें हिस्सा लेगा और मुकाबला करेगा इंशाल्लाह। नहीं सर, इस वक्त तो हमारा जो फाइनेंशियल है ना वो हम अपनी मदद अभी तक करते हैं, खुद चंदे इकट्ठे करते हैं, अपने जो हमारे तंजीम साजी है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या हमारा सूबाई लेवल पर है, तो हम खुद अपने पैसे अपने जेब से लगा रहे हैं, हमारे पास कोई चंद नहीं है, कोई जो है ना फंडिंग में नहीं हो रही। तो ये फायदा है कि अब तक जहाँ भी हम गए ना हमारा साथी जाते हैं या हमारा कोई आम मेंबर भी जाते हैं और तारुफ करते हैं कि भाई मैं एफडीएफ का मेंबर हूँ और हमारे पार्टी का मंशूर है कानून की हुक्मरानी। तो ये कानून की हुक्मरानी एक ऐसी आवाज़ है कि इसके साथ हर बंदे शामिल होते हैं, क्योंकि कोई बंदा इस मुल्क में ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में गैर कानूनी नाफिज हो जाए, हमारा मुल्क में हर बंदा यही चाहता है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी सही माने में लागू हो जाए। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ लोग ताउन कर रहे हैं, पाओ थानों में है, पाओ किसी डिपार्टमेंट के बंदे हैं, किसी भी जगह हम चले जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एफडीएफ के हवाला दे के तो हर बंदा ये ख्वाहिश करता है कि हम आपके साथ शामिल हो जाए इस पार्टी में, क्योंकि हमारा आवाज़ एक ये कानून की हुक्मरानी। तो मेरे आखिर में अपनी पार्टी और अपने साथियों को ये पैगाम है कि दिन रात मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि लोग तंग है, जितनी भी पार्टी पाकिस्तान में आई हुई है बनी हुई आज तक तो किसी भी पार्टी ने आज तक ये आवाज़ नहीं लगाई कि हमारे मुल्क में आम आदमी को कानून की हुक्मरानी चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ें 20 लगाते करते एक भी नहीं, हम एक ही आवाज़ लगा रहे एक ही आवाज़ पे चले इस मुल्क को कायम करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम न हो मैं फिर भी ये कहता हूँ इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे दो कानून चलते हैं, मालदार के लिए एक, गरीब के लिए दूसरा। तो हमारा जो 80% लोग है गरीब है, तो 80% लोग कानून के हुक्मरानी न होने की वजह से पिस रहे, महंगाई में पिस रहे और उसके साथ बहुत ज्यादा हो रही है जिसका कोई सदभाव नहीं है। इसलिए ये पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुकूमत में आएगी, जब हुकूमत में आ जाएगी तो इस आवाम के लिए एक ही आवाज़ उठाएगा कि कानून की हुक्मरानी नाफिज करेगा, और हर बंदे को, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को अपने दलील पर उनका हक मिलेगा इंशाल्लाह।